बॉलीवुड में आज की डेट में एक ही गॉडफादर है जिसका नाम है द वन एंड ओनली सलमान खान। चाहे वो स्टार किड हो या फिर बैकस्टेज डांसर या फिर नॉर्मल पर्सन, हर किसी को बॉलीवुड में चांस दिलाते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान। लेकिन हाल ही में आई ये खबर के बाद हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान के पास आपको काम मांगने के लिए न्यू कमर होना जरूरी नहीं, बल्कि ए लिस्टर स्टार्स भी आते हैं सलमान के पास काम लेने। लेकिन ये सिर्फ सल्लू पर ही डिपेंड करता है कि वो स्टार को मौका देंगे या नहीं। और हाल ही में आई खबरों की माने तो ये एक ए लिस्टर एक्ट्रेस ऐसी दीवा हैं जिनके हाथ में कई बड़ी फिल्में ऑलरेडी हैं, लेकिन सलमान की अपकमिंग फिल्म भारत की न्यूज सुनकर शायद ये एक्ट्रेस हो गई थोड़ी लालची। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के भारत छोड़ने के बाद ही दिशा और कैटरीना की रेस में ये एक्ट्रेस भी मारना चाहती थी बाजी और चाहती थी सलमान के साथ एक बार फिर काम करने का मौका। तो उन्होंने निकाली एक ऐसी तरकीब जिससे सलमान तक पहुंच जाए उनकी ये बात, जिसके लिए उन्होंने लिख डाला सलमान को एक मैसेज दैट व्हाई शी शुड बी कास्टेड इन भारत, जिसमें शुरू के 5 रीजंस तो थे फुल ऑन जस्टिफाइड, लेकिन इस हसीना का आखिरी रीजन सुनकर सलमान का हो गया मूड ऑफ। जी हाँ, दरअसल इस एक्ट्रेस ने आखिरी रीजन में लिखा था कि अगर सलमान करते हैं उनको साइन तो उनकी एक्स मैनेजर होंगी काफी ज्यादा जेलस, लेकिन सलमान को नहीं है पसंद ऐसे माइंड गेम्स। तो एज अ रिजल्ट सल्लू मियां ने कर दिया इस खूबसूरत एक्ट्रेस को टाटा बाय बाय और इमीडिएटली कर दिया Yes to the second best choice, that is Katrina for the Bharat. Well, तो आपको क्या लगता है सलमान को लेटर लिखने वाली ये हसीना आखिर कौन थी? और अपने जवाब आप जल्दी से हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता पाएं कि आपका गैस सही था या नहीं। नेक्स्ट 9 लाइव से शिवानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।